भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसमें भूमिगत क्रांतिकारी गुटों की कार्रवाई शामिल है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ज्ञात और अज्ञात योगदानकर्ता थे। इसके साथ उदारवादी नेतृत्व, चरमपंथी नेतृत्व और भारतीय युवाओं की क्रांतिकारी गतिविधियां भी शामिल थी। वे सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए अपने अपने तरीके से लड़े। ब्रिटिश सरकार भी अपने शाही शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों पर काबू पाने की साजिश में शामिल थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से प्रसिद्ध षड्यंत्र के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर के प्रमुख प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा ये क्रांतिकारी साजिश थी। उन्होंने D.H. किंग्सफोर्ड के एक वाहन पर बम फेंके, लेकिन वो हमले से बच गया और दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। बाद में खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी बाद में नरेंद्र नाथ बनर्जी ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली जब वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी। नंबर 2, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 ईस्वी। इस मामले में भारत के नए उभरे कम्युनिस्टों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अंजाम दिया गया था। एमन रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलनी गुप्ता, सिंगारा वेलु चेट्टियार, गुलाम हुसैन को सरकार ने पकड़ा और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उन्हें फंसाया गया। उन पर आरोप लगाया गया था एक हिंसक क्रांतिकारी द्वारा साम्राज्यवादी ब्रिटेन से भारत को पूरी तरह से अलग करके ब्रिटिश भारत की अपनी संप्रभुता से राजा सम्राट को वंचित करना। ये मामला जन आंदोलन नहीं था, बल्कि उस समय के आने वाले कम्युनिस्ट नेताओं को बर्खास्त करने के लिए था। नंबर 3, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी। इसे काकोरी ट्रेन डकैती भी कहा जाता है। ये काकोरी केस ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ एक ट्रेन डकैती थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा आयोजित किया गया था और अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारीलाल गुप्ता यानी मुरारीलाल खन्ना द्वारा समर्थित था। मुकुंदी लाल यानी मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल भी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ट्रेंडिंग शॉर्ट न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और प्ले स्टोर से जियोलॉस ऐप डाउनलोड करें ताकि आप हमारी और भी सुविधाओं का फायदा उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।